Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel देश परदेश। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक लेडीज का बहुत फेवरेट है, एक तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और वो भी सेल में और अच्छी क्वालिटी के, अच्छे मतलब ब्रांड्स की, तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है फिर तो। ये तो वो टॉपिक है। और दूसरा खास ये जो मैंने नाजी शॉप से ली थी, मैंने आपको पहले अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, वैक्सीन मशीन जो बहुत अच्छी है, बहुत से लोगों ने परचेज की है मुझे बाद में पता चला है, तो वहीं से ये मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे। अब ये चीज़ है कि अगर आपकी तरफ, ऑब्वियसली अगर आप अबू धाबी में नहीं है या दूसरे कंट्री या सिटी में, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप सेम चीज़ किसी और ब्रांड की भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वहाँ पे भी, पाकिस्तान इंडिया में भी आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी मंगवा सकते हैं, शिपमेंट के जरिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आजकल लोग बहुत सारे ये करते हैं कि सामान बाहर से मंगवा लिया जाता है, प्राइस थोड़े ज़्यादा मिलते हैं लेकिन मंगवा लेते हैं लोग। तो सबसे पहले मैंने क्या वहाँ जाके भी वीडियो बनाई है चीज़ों की, बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, जो लोग यहाँ रहते हैं वो ज़रूर जाएं। और दूसरा ये कि मैं वो वीडियो एंड में डालूंगी जो मैंने शॉप के अंदर बनाई है, वो मैं पहले बना चुकी हूँ, ये उसके नेक्स्ट डे की है। तो जी मैंने एक ये ट्रिमर मशीन खरीदी है, ये कुछ 67 या 60 कुछ की थी, मुझे 15 धर्म में मिली है। और ये नहीं कि अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बहुत अच्छी है, स्पेशली आजकल सलून लोग अवॉइड ही कर रहे हैं, लेडीज़ का तो बाल बढ़ना चल जाता है लेकिन जेंट्स के लिए और बच्चों के लिए होता है। और क्वालिटी मेरे हस्बैंड ने चेक करी है खोल के, उसके बाद मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ कि बहुत अच्छी है, और मैं गिराऊं नहीं कोई चीज़ तो ये हो नहीं सकता। तो ये देखिए, ये इसका ट्रिमर है, ठीक है, आपको खोल के हर चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसके बाकी अंदर क्या है वो भी दिखाती हूँ, ये इसकी बुक है, अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया, बस मेरे हस्बैंड ने चेक किया है चला के, और इसके अंदर का ये सामान है, क्वालिटी अच्छी है, अच्छी प्राइस में मिल रही है। ये चार्जर है इसका, ये ब्रश है, ओके, और ये है मशीन इसकी, और ये ब्रश साफ करने के लिए, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लगाएंगे, मुझे मेरे हस्बैंड ने लगा के दिखाया था, मैं लगा सकती हूँ कि नहीं मैं चेक करके देखती हूँ, लगा तो सकती हूँ ऑब्वियसली जी, तो ये लग गया, और ये चार्ज भी थी, ठीक है। ये इसका ब्रश है बाल जो फंस जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए। साथ में इन्होंने ये ऑयल भी दिया है और उस पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये ऑयल भी दिया है, ठीक है, देख लें इतना सा है, छोटा है लेकिन है ऑयल। तो 15 धर्म में बहुत अच्छी चीज़ मिलती है हेयर ट्रिमर, बहुत बड़ा सेट होता है, महंगे होते हैं, जो हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती यूज़ करने की, तो हम इससे भी काम चला सकते हैं सिर्फ ट्रिमर लेके। और भी बहुत सारी चीज़ों पे सेल थी, अच्छा वहाँ पे बहुत सारे स्क्रब्स भी थे, अगर आपको एक नॉर्मल डेली रूटीन के लिए स्क्रब लेना है तो वो मैंने ये लिया है, ठीक है। ये था 19 धर्म का, 19 धर्म लिखा हुआ है, और मुझे मिला है 11.4 में कुछ मिला है, या 4.11 कुछ ऐसे मिला, बहुत सस्ता मिला है मुझको। अगर आप बोले तो मैं इसके प्राइस भी बता देती हूँ कि मुझे कितने का मिला, आई को मेरे पास, ठीक है। ये था 19 का था और मुझे 11 का मिला है, ठीक है, 11.4 का मिला है। तो ये संदल वाला मैंने उठाया, इसमें बहुत सारे रखे हुए थे जो आप नॉर्मल डेली यूज़ कर सकते हैं, ये उसके लिए नहीं है कि आप मतलब हफ्ते में या हफ्ते में दो दफ़ा वाले के लिए, बॉडी स्क्रब है, फेस जहाँ आप दिल चाहे आप कर सकते हैं। ये मैंने संदल वाला उठाया, इसमें और भी बहुत से थे लेकिन संदल की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए मैंने संदल वाला लेना प्रेफर किया। इट हेल्प्स टू रिमूव टैन स्किन, ये प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेस से जो सन की होती है, आप रोज इसको यूज़ कर सकते हैं, स्किन सॉफ्टनिंग के लिए बहुत बेहतरीन है, इससे डार्क स्पॉट्स ख़त्म होते हैं जो फेस वगैरह पे पड़ जाते हैं। दूसरा इसकी
स्मेल बहुत खूबसूरत है, बहुत मजे की स्मेल है और इससे ग्लोइंग आती है। तो मैंने ये वाला लिया जो मैं रोज यूज कर सकूँ। ये थोड़ा सस्ता भी मिला रोज के लिए हिसाब से, डेली यूज के हिसाब से। अच्छा, उधर कुछ वो भी रखे हुए थे, आप उसको बोलेंगे जाके स्पेशली कि हमें ब्राइटनिंग और ग्लोइंग स्किन के लिए चाहिए, तो वो एक अलग पोर्शन भी था उधर। उधर अलग से शैम्पूस का भी था, जैसे हेयर फॉल्स शैम्पूस के रखे हुए थे, उसके ब्रशेस भी अलग से थे जो आपको ब्रश यूज करना चाहिए हेयर फॉल के लिए। फ्रिजी बालों के लिए भी अलग से एक डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट कह रही हूँ, एक पोर्शन था। इस तरीके से बहुत सारे थे जो आप, अल्लाह इतना अच्छा लग रहा है इसको करते हुए, मजा आ रहा था। जिसके देखें आप स्क्रब्स के पार्टिकल्स है ना बहुत अच्छे से, मैं अभी आपको फर्क भी दिखाऊंगी। ये मैंने आज खोल के रखा था कि आप लोगों को दिखाने के लिए, अब तक मैंने यूज नहीं किया, मैं आपके सामने ही यूज कर रही हूँ उसको। मैंने बोला कि टैन स्किन वगैरह के लिए डेली यूज के लिए कौन सा अच्छा है, तो उसने बहुत सारे थे, एप्रिकॉट था और भी बहुत सारे थे, तो उसने मुझे ये वाला खुद ला के दिया। जो मैंने कहा आप प्रेफर करो मैं वो वाला लूंगी, तो उसने मुझे खुद से ये वाला ला के दिया। प्राइस सबकी सेम थी, उसने कहा ये ज्यादा अच्छा है ब्राइटनिंग और ग्लोइंग के लिए और सॉफ्ट करता है स्किन को, तो मैंने कहा ठीक है। इस तरीके से फेशियल्स और मास्क वो बहुत सस्ते आए हुए थे, मतलब सस्ते के ऑफर में बहुत अच्छे वो रखे हुए थे, मास्क वगैरह वो भी मैंने कुछ लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से वाले लिए हैं। ये आप करके वो मास्क यूज कर सकते हैं, ये मेरे फेवरेट वाइप्स हैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए पर ये वाइप्स मेरे पास हमेशा रखे हुए होते हैं। तो ये मैं आपको आपके सामने करके फर्क दिखाती हूँ, उसने मुझे ये वाला दिया। और अगर आपको अलग से ट्रीटमेंट के लिए चाहिए तो वो भी रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको फर्क दिखाती हूँ अपने हाथ में, ये देखें इसी हाथ में जिस जगह मैंने किया है वो फर्क भी आपको दिख रहा होगा, और ये भी आप देख सकते हैं। आई होप यू कैन सी द डिफरेंस, आई होप, मुझे फर्क दिख रहा है तभी मैंने ये, उसने मुझे बोला था कि आपको फर्क दिखेगा और वाकई फर्क लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैंने लिया था, आप ये वाला भी ले सकते हैं अगर आपको अलग से स्पेशली ब्राइटनिंग के लिए चाहिए, ग्लोइंग के लिए चाहिए, तो वो भी आप अलग से ले सकते हैं, तो वो आपकी च्वाइस है, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या क्या लिया है, अच्छा उनके पास मैं जो प्रेफर करती हूँ वैक्सिंग का, मैं वैक्सिंग यूज करती हूँ मिल्क वाली जो मेरी स्किन को सूट करती है, नहीं तो एलोवेरा वाली। तो आप उनके पास मिल्क नहीं आ रहा, उनके किसी भी मतलब ब्रांच में नहीं आ रहा मिल्क वाला और नहीं एलोवेरा, उनके पास सिर्फ हनी था। हनी से मेरी स्किन पे निशान पड़ जाते हैं, हनी मुझे सूट नहीं करता। पॉलर्स में लोग, मैं जिस पॉलर जाती थी वहाँ वो हनी यूज करते, लेकिन मुझसे हनी हैंडल नहीं हो रहा था। तो और मेरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, मुझे मतलब बहुत जल्दी निशान और एलर्जी वगैरह हो जाती है। मैं बैंगल्स भी पहनती तो मुझे अगर ज्यादा देर पहने रहो तो दाने निकल आते हैं। तो सेंसिटिव स्किन, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वैसे तो हनी अच्छा है, जिसको हनी सूट करता है कर सकता है, लेकिन जिसकी एक्स्ट्रा हाँ, मतलब सेंसिटिव स्किन है उसके लिए ये वाला रखा हुआ था। इसका नाम है एजोलिन कुछ करके नाम है इसका, ग्रीन कलर का। ये 9.50 का था, ऑफर में नहीं था लेकिन प्राइस सही है, तो ये मैंने अभी एक के भी लिया है। तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है, ठीक है। और मैंने क्या क्या लिया, मैं आपको फेशियल मास्क बता देती हूँ। तो जी हम इतने महंगे महंगे पैसे खर्च करके पॉलर्स में ये कस्मारा का फेशियल यूज करते हैं, तो उनके पास आप गूगल पे भी कस्मारा लिखेंगे, कस्मारा मास्क, तो ये या तो नाजी शॉप पे अवेलेबल होते हैं या अमेजोन पे होते हैं। तो ये भी ऑफर में थे, ये मैंने स्ट्रॉबेरी वाला लिया। स्ट्रॉबेरी का आपको पता है विटामिन सी होता है इसके अंदर और ये ग्लोइंग स्किन के लिए होता है, ठीक है। और इसके बहुत से भी फायदे हैं वो आप गूगल कर सकते हैं। ये मुझे मिला है 36 का, ऑफर में था। ये कैसे यूज करना है आप सबको, सबको तरीका पता होता है। ये मैंने अभी खोला नहीं है और मैं खोलना भी अभी नहीं चाह रही। तो ये इसके बुक भी है अंदर, ठीक है, बुक तो नहीं है लेकिन अभी खोलना नहीं चाह रही इसको। और ये दो कुछ हैं, चलो मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ये इसके साथ मुझे मिला है एक एक्स्ट्रा गूजी मास्क 270, ये किस बात का यूज करने का होगा। और एक इसके अंदर ये है, इन दोनों को मिक्स करके शायद बनाना है। ये मैं फर्स्ट टाइम अभी खोल रही हूँ तो मैं अभी चेक करूंगी। ये जेल है और ये पाउडर है, तो ओके आपको दोनों को मिक्स करके बनाना होगा। तो ये आप इतने सस्ते आप खरीद सकते हैं,
वहां से नाजी शॉप से। ये आप बहुत महंगा फेशियल होता है, ये फॉलर्स में जिन्होंने करवाया होगा उनको पता होगा। ठीक है, मैं इसकी बुक भी आप लोगों के सामने खोल रही हूँ। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस भी अंदर लिखा हुआ है। मैं समझ रही थी ये बुक नहीं है, पर ये बुक है। तो ये मैंने लिया, मुझे ग्लोइंग स्किन के लिए चाहिए था, विटामिन सी होता है, तो ये मैंने ये लिया है। ये वाला फिर मैं आपको नहीं खोल के दिखा रही, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये मैंने गोल्ड का लिया है, ये ये ब्राइटनिंग होता है और ये ग्लोइंग स्किन के लिए होता है। और गोल्ड मास्क के वैसे भी आपको पता है इतने फेशियल्स होते हैं, इतने मतलब बेनिफिट्स होते हैं, हर तरह तरह के फेशियल्स में ये होता है, तो मैंने गोल्ड लिया है। और अच्छा, स्ट्रॉबेरी, मैं जब पाकिस्तान में होती हूँ मैं हमेशा स्ट्रॉबेरी फेशियल करवाती हूँ। इससे आपको अपनी स्किन में एक अलग सी मतलब चमक और एक लाइवली फ्रेश स्किन नहीं होती है वो मिलती है। तो मैं ना जब भी पाकिस्तान में होती हूँ मैं यही फेशियल कराती हूँ, तो मुझे स्ट्रॉबेरी का उस वजह से भी लेना था। और कसमारा की तो वैसे ही माशाल्लाह से इतनी तारीफ सुनी है। तो ये है, ये मुझे मिला है 50 का, ये मुझे 36 का मिला है, सॉरी कितने का मिला था, 36 का ही मिला था, 36 का मिला था। ये मुझे मिला है 50 का। सबके अलग अलग प्राइस है, इसमें बहुत बड़ी रेंज उनके पास मौजूद है और बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही है, आप लोग जाएं और ज़रूर देखें। ये मैंने एक गोल्ड का अलग से रैपिंग मास्क लिया है, ये था 11.50 का और मुझे 8.50 का मिला। मैंने प्राइसेस यहाँ से पहले करके लिख के रखी थी ताकि आप लोगों को सही बात बताऊँ। ठीक है, ये एंटी एजिंग है, रिस्टोरिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, इसके सारे फायदे भी लिखे हुए हैं, ये सब इधर लिखा हुआ है, मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये एक मैंने हाइड्रेटिंग हाइड्रोजेल मास्क भी लिया है, ये था 17.50 का, ये मुझे मिला है 12.25 का। शैम्पूज का भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, बहुत महंगे, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो बहुत महंगे शैम्पू उनके पास होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे प्राइस में दे रहे हैं। और जब जिस दिन मैं गई थी मैंने ज़्यादा इसलिए रुकी नहीं क्योंकि बच्चे साथ थे, और दूसरा ये था कि बहुत रश हो रहा था क्योंकि वहाँ पॉलर्स वाले लोग आए हुए थे, तो वो चीज़ें वो खरीद रहे थे अपने उस हिसाब से, ज़्यादा ज़्यादा सामान ले रहे थे, तो बस मैंने जो छोटा मोटा लेना था ले लिया। उससे मैंने पूछा मैं वीडियो बना लूँ, तो उसने बोला हाँ बना ले, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्लोजअप में इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ और लेडीज़ भी थी, और अच्छा नहीं लगता कि मैं वीडियो बना रही हूँ किसी का हाथ आ रहा है या किसी का फेस आ रहा है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा अवॉइड किया। लेकिन मैंने कोशिश की कि थोड़ा बहुत आपको दिखा सकूं। मैं जो जाती हूँ ये मैं एयरपोर्ट वाली रूट जाती हूँ मेरे ख्याल से शॉप, मैं आपको अगर एड्रेस चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी, बहुत बड़ी शॉप है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें, और ब्रांच में भी अच्छी होंगी, पर मैं इस पर जाती हूँ तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। और जो लोग यहाँ से नहीं ले सकते, ये चीज़ें नहीं ले सकते, आई एम श्योर आपको कसमारा का मतलब मास्क आपको आराम से अमेजोन पे मिल रहा है, तो और जगह पे भी मिल सकता है। हाइड्रोजेल आप ब्रांड नहीं देखें, ये मी एम ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का है, आप कहीं का भी खरीद सकते हैं। इसके भी मैं आपको बता दूँ, सूदिंग होता है, हेल्प्स करता है लेफ्ट एंड फ्रेम में, अल्ट्रा हाइड्रेट, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वगैरह होती है उनके लिए बेस्ट है। मेरी ड्राई नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपनी मतलब हाइड्रेट मास्क यूज़ करना अच्छा लगता है, मैं ख़रीदती रहती हूँ। इसी तरह गोल्ड मास्क आपको इसका नहीं मिल रहा, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। और आप 20 मिनट्स लगाने का है, पहले आप अच्छे से फेस को स्क्रब कर लें, उसके बाद क्लीन करके आप लगाएं और 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने ली और मैंने आपके साथ शेयर करी। ज़रूरत की ज़्यादा मेरा इतना खर्चा नहीं हुआ जितना मुझे लग रहा था कि बहुत महंगी चीज़ें होंगी, बहुत कम अमाउंट में, और जब तक है सेल आप लोग फ़ायदा उठाएं इसका। और बाकी की चीज़ें आप वीडियो के एंड में देख लें कि कैसी शॉप है, क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी आज की मेरी वीडियो और आप लोगों के थोड़े काम भी आएगी। तो जी ये एक दिन पहले की वीडियो, जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले ख़रीद लिया था, नेक्स्ट डे मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या परचेज़ किया। तो ये नाजी शॉप मेरे सामने है जो एयरपोर्ट रोड पर है, और यहाँ से जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। चल अब अंदर चल के मैं आपको शॉप दिखाती हूँ कि आप यहाँ से क्या क्या परचेज़ कर सकते हैं। ये एक पूरा वैक्स का सेक्शन है जहाँ वैक्स के आइटम्स रखे हुए होते हैं। ये पूरा शैम्पू का सेक्शन है जहाँ से आप तरह तरह के शैम्पूस ले सकते हैं। ये मेकअप है, यहाँ देखिए आपको हर चीज़ पर 40% डिस्काउंट मिल रहा है, हर अच्छी चीज़ है यहाँ पे, और तकरीबन सब चीज़ों पे इन्होंने 40% डिस्काउंट रखा हुआ है। तो यहाँ से आप
जो भी आपको वैक्स चाहिए, बीन्स वाली चाहिए, डिस्क वाली चाहिए, नॉर्मल चाहिए, रिफिल चाहिए, पेपर्स चाहिए, ऑयल चाहिए, जो चाहिए, मशीन चाहिए, सब पूरा एक सेक्शन बना हुआ था। ये देखिए ऊपर वैक्स भी रखी हुई थी। यहाँ पे देखें आप जो मैंने कस्मारा के लिए पूरी एक रेंज मौजूद है यहाँ पे, जो आपको पसंद है, जो आपके फेस के लिए परफेक्ट है आप वो ख़रीदें। आपको दूसरे वाले ख़रीदने हैं यहाँ, जैसे चारकोल का भी है, सिल्वर का भी है, गोल्ड का भी है, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अप टू यू, जो आपकी मर्ज़ी हो। इसी तरह यहाँ हेयर फॉल के ये वाले जो शैम्पूस हैं ये ख़ास हेयर फॉल्स के लिए हैं, बाकी दूसरे शैम्पू अलग रखे हुए हैं। हेयर फॉल के लिए सिर्फ ऑयल ज़रूरी नहीं होता, अच्छा शैम्पू भी ज़रूरी होता है, अच्छा ब्रश भी होता है, जो मुझे अब पता चला। ये देखिए ये ब्रश अलग से रखा हुआ है, जिसकी प्राइस ही 141 और अब ये 89.5 का दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी सेल है, अवेल करें। इसी तरह मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ कि तरह तरह के दूसरे शैम्पूज़ भी हैं, हेयर ब्रशेस भी हैं, आम वाले भी, और हेयर फॉल के इन्होंने अलग से एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो जो मैंने लिया वो इसमें से मैंने अपनी पसंद के उठा लिए थे। आप देख सकते हैं अभी भी 40% ही डिस्काउंट है, तो प्लीज़ आके आप लें जो आपको लेना है। यहाँ हर रेंज के हर किस्म के स्क्रब्स मौजूद थे, इसका सेक्शन अलग था, तो मैंने संदल वाला लिया जैसे मैंने आपको बताया। ये वाले स्क्रब जो हैं ये स्पेशली वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए हैं। ये जैसे ग्रे बालों का मस्कारा था, कवर योर ग्रे हेयर्स, इस तरीके से देखें 79 का था और वो 15 का मुझे मिला। ट्रिमर या हेयर स्ट्रेटनर्स भी हैं, और इस तरीके से लैशेस वगैरह भी रखी हुई थी, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको एक नज़र। सब में सेल है, बहुत अच्छी सेल है, लेकिन मैं कहूँगी पहले आप घर से अपने रिसर्च करके जाएं कि आपके स्किन के लिए क्या ज़रूरी है, आपके हेयर के लिए क्या चाहिए। वरना मुझ जैसे जो लोग होते हैं वो शॉप में जब पहले चले जाते भी वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए हमेशा रिसर्च करके जाएँ ताकि इतनी सब चीज़ें प्रोडक्ट्स देख के आप कन्फ्यूज़ ना हो, अच्छी सेल अवेल करें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक दें, और कोई बात पूछनी तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।